हेलो गाइज, मैं डॉक्टर आमिर बेनवाल, प्रोफेसर, एजुकेटर, मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू वर्ड्स, लास्ट एंड लॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लास्ट का केवल एक मतलब जानते होंगे, एक मीनिंग जानते होंगे। आप लॉन्ग के बारे में केवल एक अर्थ बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट का केवल एक अर्थ नहीं होता बल्कि और भी अर्थ होते हैं। लॉन्ग का केवल एक मीनिंग नहीं होता बल्कि और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इनको हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करके अलग अलग अर्थ जान सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है लास्ट। लास्ट, तो लास्ट को हम नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, संज्ञा। और इसका जो प्रयोग है वो क्या है, We must fight to the last। तो यहाँ पे last आया है, देखिए। तो इसका मतलब है अंतिम समय, कि हमें अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। और यदि थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो इन लाइफ, जिंदगी में, कि हमें जिंदगी में अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा यूज है इनका एडजेक्टिव के रूप में, यानी विशेषण के रूप में इसका प्रयोग। तो विशेषण के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो कैसे, ही एंजॉयड हिज लाइफ, उसने अपने जीवन का आनंद लिया, अप टू द लास्ट ब्रेथ। यानी यहां पे ये एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि ये नाउन के आगे आया है। तो ब्रेथ का मतलब है सांस, कि उसने अपनी अंतिम सांस लेने तक जीवन का आनंद लिया। तो यहां पे लास्ट का मतलब है अंतिम, केवल अंतिम, अंतिम सांस। तो उसके बाद लास्ट को हम वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो है ना काफी अमेजिंग प्रयोग, कि लास्ट वर्ब भी होती है। बिल्कुल, कैसे, द बैड टाइम डज नॉट लास्ट लॉन्ग। यानी बुरा समय लंबे समय तक नहीं चलता है। तो यहाँ पे लास्ट का मतलब चलना है। तो देखिए, काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है कि वर्ब के रूप में भी इसका यूज होता है। उसके बाद एडवर्ब के रूप में भी इसका यूज है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के रूप में, यानी क्रिया के भी विशेषता बताता है ये शब्द। और वो कैसे, एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट। अब देखिए यहाँ पे लास्ट आया है एडवर्ब के रूप में, कि तुमने उसको अंतिम बार कब देखा, या सी मैंने मिलना भी होता है, तुम उससे अंतिम बार कब मिले। तो यहाँ पे लास्ट का मतलब है अंतिम बार, अंतिम बार। तो इस तरह से अलग अलग प्रयोग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लास्ट का केवल एक मीनिंग नहीं है बल्कि पूरे चार मीनिंग हैं। तो यहाँ से देखिए और अपनी वकैब को इम्प्रूव कीजिए। अगला वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग, तो लॉन्ग को भी हम इसी तरह से सबसे पहले नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। नाउन यानी संज्ञा भी है ये, और संज्ञा है तो कैसे यूज करेंगे इसको, दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ माई स्टोरी। अब देखिए
कि दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ माय स्टोरी। तो इसका मतलब क्या है, ये सार होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग है सार, इसका मतलब है निष्कर्ष कि यह मेरी कहानी का निचोड़ है, कि यही मेरी कहानी का निष्कर्ष है। दूसरा प्रयोग देखिए, इसको हम जैसे ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग था तो इसको भी हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में। कैसे, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर मेड ए लॉन्ग स्पीच, कि पीएम ने एक लंबा भाषण दिया, पीएम ने एक लंबा भाषण दिया। तो यहाँ पे स्पीच है ना, किसी चीज़ का नाम है, ये नाउन है और नाउन के आगे आया है तो फिर नाउन की विशेषता बताता है। जैसे ये नाउन के आगे आया था, ये भी नाउन की विशेषता बता रहा था, ये भी नाउन की विशेषता बताता है, तो इसलिए यहाँ लॉन्ग का मतलब क्या लगेगा, लंबा, कि पीएम ने लंबा भाषण दिया, मीनिंग यहाँ पे सार था, यहाँ पे लंबा है, देखिए कितना यूनिक फैक्ट है। उसके बाद वर्ब के रूप में यूज, यानी क्रिया के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, क्रिया के रूप में, वो कैसे, वी लॉन्ग फॉर द हॉलीडेज, यानी लॉन्ग फॉर, ये आया है देखिए लॉन्ग, तो यहाँ पे इसका मतलब है इच्छा करना, इच्छा करना। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका मीनिंग इच्छा करना भी होता है, कि हम छुट्टियों की इच्छा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। तो कम टू द पॉइंट, अगला जो यूज है इनका एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में। तो क्रिया विशेषण अब देखिए, यूज दे लेफ्ट दिस सिटी लॉन्ग एगो। तो लॉन्ग एगो आपने बहुत बार पढ़ा है, इंग्लिश में बार बार आता है ये, यानी दे लेफ्ट दिस सिटी, तो उन्होंने ये शहर छोड़ दिया। लॉन्ग एगो का मतलब है लंबे समय पहले, तो यहाँ पे लॉन्ग एगो का मतलब है लंबे समय पहले, लंबे समय पहले या लंबे समय से वो इस शहर को छोड़ गई। दे लेफ्ट दिस सिटी लॉन्ग एगो, कि उन्होंने लंबे समय से ये शहर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप लॉन्ग का केवल एक लंबा लंबा मीनिंग जानते थे, तो यहाँ पे देखिए हम इसके चार मीनिंग निकाल के लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इंग्लिश को हमने एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है, एक ही स्टेप पे नहीं रुकना है। तो यदि आप एक ही स्टेप पे रुक जाते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट भी रुक जाएगा। तो इस तरह से आपने इम्प्रूवमेंट करना है। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो अबाउट मोर वर्ड्स लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।